अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी। एकदम आसान ग्रेवी है। एक चम्मच तेल डाल लेंगे, इसमें दो कटी ही प्याज डालकर अच्छे से मिक्स करके हम इसे लाल कर लेंगे। जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक लाल ना हो जाए। अभी लाल हो चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट डालकर हम दो मिनट तक पकाएंगे। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे डिशेस पसंद आने पर लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर लीजिए। ये चिकन डाली हूँ मैंने। अभी ये चिकन के अंदर मैंने मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन लगाकर आधा घंटा रखी थी, वो भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम गैस पर बनाएंगे हम। अब हम डालेंगे चिकन मसाला एक चम्मच। चिकन मसाला डालकर अच्छे मिक्स करेंगे। इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें से खुशबू आनी चाहिए मसाले की, एकदम फ्राई हो जाना चाहिए चिकन। तो इसमें डालेंगे हम आलू, कटे हुए आलू डालकर मिक्स करेंगे। तीन टमाटे की प्योरी बनाई थी मैंने, ये भी डालकर मिक्स करेंगे। दो मिनट तक पकाएंगे इसे। अभी हम डालेंगे बारीक कटा धनिया, पुदीना भी बारीक कटा डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी जितना हमें ज़रूरत है ग्रेवी के लिए उतना ही पानी हम डालेंगे। इसे सिम गैस पर, धीमी गैस पर हम रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। रेडी हो चुकी है ग्रेवी। अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन ग्रेवी और कमेंट ज़रूर करना कि चिकन ग्रेवी कैसी बनी है। अभी हम सर्व कर लेंगे। चलिए, बाय, अल्लाह हाफिज़।